हेलो स्टूडेंट्स आई अमृता इंदौलिया योर केमिस्ट्री मेंटर और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट थर्ड जो कि है किसका पीरियडिस सिटी हमने इंट्रोडक्शन को लेकर बात की न्यू डेवलपमेंट्स को लेकर बात की सारे के सारे डिस्कवरर्स को लेकर लास्ट प्रीवियस पार्ट्स में बात की आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग सो आइए अपन पीरियोडिक टेबल का एक माइनर सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं दिमाग में आज हम उसकी फुल ब्रीफिंग करेंगे सो हेयर इज द पीरियोडिक टेबल बड़ी ही सुंदर लग रही है देखने में अब सुंदर लगने पे नहीं जाना है ये आपके दिमाग में ऐसे ही फीड करनी है एग्जैक्टली exactly. तो देखो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको जब इन शॉर्ट बताया था मैंने सबसे पहले बोला था कि लेफ्ट एंड साइड वाले जो ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे कौन से एलिमेंट्स थे हाँ जी बिल्कुल एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर मैंने कहा था कि राइट एंड साइड ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं देखूंगी कहा पीरियॉडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जब मैं बात करूंगी तो आपने क्या कहा था कि मैम वहां पर हम कहेंगे उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल सही और अगर बीच में एक ग्रुप एलिमेंट है जो कि काफी बड़ा ग्रुप है उसकी बात करेंगे तो आपने कहा था कि वो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द रेस्ट पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये थे हमारे ग्रुप एलिमेंट्स अब हम वन टू वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले देखो पीरियडिक टेबल के अंदर ये वाला जो ग्रुप अभी कहा दिस इज योर एस ब्लॉक ठीक है वन टू वन एक एक चीज पर ध्यान रखना है अलॉन्ग विद योर नोट कॉपी जो चीज मैं जैसे मेंशन करूंगी और मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है नोटेड डाउन प्लीज नोटेड डाउन ना अभी कहूं तो ध्यान खुद रखना ना थोड़ा सा ये ग्रुप आपका है पी ब्लॉक यहां आपने कहा था दिस इज योर होल डी ब्लॉक एंड द लास्ट इज एफ ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर आपको सारे की सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग लिखी हुई है यहां मैं बात करती हूं तो आज को आपने कहा वन ए ग्रुप ठीक है ये है सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए दिस इज योर फिफ्थ ए सिक्स ए क्या मैं यहां से थोड़ा देर के लिए इस डी ब्लॉक जनाब को यहां से हटा दू सेवेंथ ए और ये जो फैकोनी वाला ब्लॉक है यानी कि आयरन कोबाल्ट और निकल के रिस्पेक्ट में, में बात कर रही हूं इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है एर्थ ए ठीक है और इसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट स्टार्टेड विथ वन बी टू बी थ्री बी सो फोर बी एंड सो ऑन सो अभी पहले यहां तक की बात करते हैं ये अभी यहां देखो आपको पता है ये वाला कौन सा है डी चलिए इसके बाद सबसे पहले यहां पर देखिए एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप की मैं बात कर रही हूं कौन से ग्रुप की फर्स्ट ए ग्रुप की इधर से दिख रहा है वन टू वन अपन रिवील करेंगे सो फर्स्ट ए ग्रुप में आप देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम कितने एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम अब यहां पर एक बात बताई है मुझे कि ये जो हाइड्रोजन है क्या इसका कोई घर है मैं एक्जैक्टली exactly वही चीज आपसे बार बार रिपीट करूंगी कई बार मैं बोल चुकी हूं कि हाइड्रोजन निकलौता ऐसा कैंडिडेट है इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता है ये यहां पर इसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं एग्जिस्टेंस पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में बहुत है लेकिन इस ग्रुप में यहां पर नहीं है सो so, आप इस चीज़ को कहेंगे कि ठीक है ये पूरा ग्रुप है दिस इज योर फर्स्ट ए ग्रुप अलॉन्ग विद दिस सेकेंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बैरेलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम ठीक आइए ऐसे ही थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन हम इन सब पे आगे वन टू वन रिवील करेंगे अब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम या कोई भी एलिमेंट आप पिक करते हैं तो इसके ऊपर ये जो मैंशन है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए इसके नीचे मेंशन है वो एग्जैक्टली exactly क्या चीज है सो so बच्चा यहाँ देखिए ये जो बीच में मैंशन है ये होता है सिम्बल क्लियर किसी भी एलिमेंट का यहां जो प्रेजेंट किया जाता है दैट इज द सिम्बॉलिक पार्ट आफ्टर दिस जो अपर पोर्शन में शो किया जाता है here it is. ये जो upper portion में आपको शो किया जाता है, उसको आप कहते हैं के केस में यहां पर जैसे कि है, so hydrogen का atomic number क्या होगा वन लोअर पार्ट में मैं लेके चलू इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के नीचे जस्ट तो यहां पर पहले mention है नेम दैट इज हाइड्रोजन और उसके नीचे मेंशन है उसका एटोमिक मास बीच में जो लिखा है सिंबल के नीचे उसका लिखा होता है अपर पोर्शन में आप कहते हैं कि अपर साइड में क्या होता है एटॉमिक नंबर और लोअर साइड में होता है एटॉमिक मास अब आपको ये लिखना आ गया कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को एग्जैक्टली पुट कैसे किया है तो यहां आपको इस चीज को रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगी नहीं अब आप देखिए नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहती हूं कि यहां जितने भी ये जो ग्रुप है सी इन द येलो वाला इस ग्रुप की मैं बात कर रही हूं आई होप कि ये आपको विजिबल है अच्छे से आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ए ग्रुप फ्रॉम बेरेलियम टू रेडियम कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके अंदर बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम एंड रेडियम ये जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्लीज नोट इट डाउन एंड लर्न इन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है ये ग्रुप ठीक है आफ्टर दिस अगर मैं आपको कहूं इस सीरीज में सी फ्रॉम हेयर टू हेयर आई यू समल्सो सो आपको क्लियरली विजिबल हो यहां पर ऑलरेडी इसका कलर थोड़ा ऐसा है सो so, मैं बात कर रही हूं यहां इस ग्रुप के अंदर इस ग्रुप को आप कहते हैं ये जो ग्रुप कहलाता है दिस इज 60% परसेंट नॉन मेटालिक ग्रुप नॉट ऑल द मेटल्स आई सेड 60% परसेंट नॉन मेटल्स और यू आल्सो कैन से सेमी मेटल्स ये जो मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रही हूं ये आपको याद रखने हैं सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो इन्हीं के ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है अभी यहाँ जो पीरियॉडिक टेबल मैं पूरी ब्रीफली करने एक्सप्लेन करने वाली हूं आपके साथ उसमें मैं यही टू द पॉइंट बताऊंगी ये नहीं एक 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 एलिमेंट मैंने उठा लिया जिनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने की और चांसेस हैं उनके रिगार्डिंग सो so मैंने क्या कहा ये वाली जो सीरीज थी इसके लिए मैंने कहा दर वॉट सिक्सटी परसेंट नॉन मेटल्स और यू कैन ऑल्सो से सेमी मेटल्स ओके आफ्टर दिस अब आप यहां पर देखिए मैं आपको कहती हूं ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप यहां से यहां द्लू ये यह जो ब्लू वाला ग्रुप है ना ये ये ग्रुप कहलाता है ट्रांजिशन मेटल इसमें आपको ये दो काउंट नहीं करने हैं ये ग्रुप क्या कहलाता है ट्रांजिशन मेटल्स और इन्हीं को आप कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है ये बात समझ में आई अब इसके बाद देखिए कि आपने पहले ये देखा कि ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स है अब मैं पूछना चाहूंगी कि मुझे हेलोजिन का ग्रुप बताइए पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा भी था लास्ट पार्ट में तो आपको क्लियरली विजिबल है कि हेलोजिन का ग्रुप कहां है ये रहा हैलोजिन का ग्रुप यहां पर है आपके हेलोजिन दिख गए सो so, ये है हेलोजिन है चलिए नेक्स्ट तो इस तरीके से हम की सारे की इन, इन चीजों को तो आप इजीली देख सकते हैं ये वाला ग्रुप कहलाता है लेंथेनाइट सीरीज और इसके नीचे वाला जो ग्रुप है ये कहलाता है एक्टेनाइट सीरीज इन सीरीज के बारे में अभी one -one करेंगे। अब, अब मैं बताती हूं टू द पॉइंट अब यहां आपको क्या ये दिख रहा है क्या है ये टी ए ए किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज टेंटेलम व्हाट आई सेड टेंटेलम आपको याद रखना है कि जो टेंटेलम है दिस इज द टफेस्ट मेटल इन द होल पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है टेंटेलम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है और वो क्या होता है टफेस्ट मेटल होता है क्लियर आफ्टर दिस यहां देखिए गैलियम सी ज गैलियम क्या है गैलियम जो है बहुत ही हाई रेंज टेम्परेचर शो करता है सो so, इसको हम यूज करते हैं हाई रेंज थर्मोमीटर्स में क्यों क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा हाई होती है सो वी कैन यूज इट इन हाई रेंज थर्मोमीटर्स ठीक है अब उसके बाद आप यहां पर आइए नेक्स्ट ऑस्मियम एंड इरिडियम ये दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं

ज इट विजिबल टू यू आई डोट थिंक सो इज इट विजिबल बिकॉज कलर जो है वो इसका सो आईज एन कलर क्या होता है दोनों की दे हैव हाइएस्ट डेंसिटी रीजन क्योंकि ऑस्मियम क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस एट याद आया चलिए अब इसके बाद यहां देखिए फ्रेंशियम फर्स्ट एलिमेंट में बात कर रही हूँ फर्स्ट ए ग्रुप में यह रहा फ्रेंशियम अब आप कहेंगे ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दिस इज एन रेडियो एक्टिव लिक्विड वॉट आई सेट फ्रेंश इज रेडियो एक्टिव लिक्विड और क्वेश्चन यही पूछा जाता है स्ट्रेट सो so, ये की पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज याद रहनी चाहिए क्या है ये रेडियो एक्टिव लिक्विड चलिए इसके बाद एक चीज और मुझे बताओ कि अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो होगी हीलियम की ठीक है आफ्टर दिस अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं मुझे बताइए स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा है स्मॉलेस्ट कैटायन के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूं तो आपको सबको पता है कि एच प्लस ये जो एच है एच प्लस ये स्मॉलेस्ट कैटायन है बात आ रही है समझ में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है या चांसेस नहीं है एक एक चीज जो मैं मेंशन कर रही हूं प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली अब स्मॉलेस्ट कैटायन आपने बताया एच प्लस मुझे यहां पर स्मॉलेस्ट एनायन बताइए एक बार कि स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा होगा सी फ्लोरीन लोजन फैमिली का फ्लोरीन आप कहते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलेस्ट एनायन मोस्ट एंड एनायन क्लियर चलिए आफ्टर दिस ये बात समझ में आई क्या क्या मैंने कहा आप लोगों से पहले आपने ग्रुप में इसको असाइन किया ये आपको सबको थोड़ा सा याद होगा कि पीरियड्स कितने होते हैं टोटल सेवन एंड ग्रुप्स एट याद आ गया होगा होप्सो so. कि सेवन पीरियड्स होते हैं एट ग्रुप्स होते हैं उसके बाद हमने वन टू वन कॉलम रिप्रेजेंटेशन देखा वो किस अकॉर्डिंग देखा कौन से ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एस पी एंड डी हमने यहां तक बात की अब हमने 1 टू 1 पिक किया मैंने कहा हाइड्रोजन जो है वो क्या है स्मॉलेस्ट कैटायन है H+ की फॉर्म में ये वाला जो ग्रुप है सेकंड ए ग्रुप जो है बेरिलियम से लेकर रेडियम तक ये कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में मैं चलूं यानी कि डी ब्लॉक की मैं अगर बात करूंगी तो आप कहेंगे कि इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स क्लियर आफ्टर दिस अगर मैं

फेस्ट मेटल है पूरे डी ब्लॉक सीरीज में ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर उसके बाद ऑस्मियम और इरिडियम को लेके मैंने आपसे कहा कि ऑस्मियम एंड इरिडियम हैव मैक्सिमम डेंसिटी एंड द रीजन इज व्हाट दे हैव मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ऑस्मियम इज स्टेबल इन द प्लस 8 क्लियर फिर आपसे मैंने एक चीज और कहा गैलियम को लेके गैलियम के लिए क्या कहा कि गैलियम को हम गैलियम की प्रॉपर्टी क्या थी क्योंकि इसकी हाई रेंज टेम्परेचर प्रॉपर्टी होती है इसको हम हैवी और हाई रेंज थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और कहा मैं रिपीट कर रही हूँ सारी चीज जिसे आप लिख लें अच्छे से हीलियम हीलियम कि क्या है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी कौन शो करता है आपका आंसर क्या था हीलियम शो करता है वेरी गुड मैंने आपसे कहा कि फ्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट एनायन है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसका पीरियोडिक टेबल का आपने कहा हाँ जी मैम बिल्कुल है बात समझ में आ गई सारी की सारी अब इसके बाद पहले एक बार ये अच्छे से देख लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और इधर यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन आल्सो डू दिस बट कैसे भी करके बस आपको ये दिमाग में रखना है फॉर सम टाइम पीरियडिक टेबल के कुछ दो चार पन्ने निकालो पेजेस निकालो प्रिंट आउट्स निकालो और जगह जगह घर में लगा दो ठीक है और जगह जगह वहां लगाओ जहां तुम रीचेबल हो जाते हो नॉट लाइक स्टोर रूम में लगा दिया छत पे लगा कर आ गए जहां तुम्हें कभी जाना नहीं होता जहां तुम्हारे बार बार नजर सामने पड़े जिसे ये जल्दी से याद हो जाए आ जाओ अब एलिमेंट्स याद करते हैं एलिमेंट्स सामने लिखे हैं मुझे भी पता है कि वो थोड़ा टफ पड़ता है इनके रियल नेम के साथ सो so, हमने इनके कुछ निमोनिक्स बनाए हैं और वो निमोनिक्स क्या है फर्स्ट ग्रुप के लिए मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ए के लिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम इसको हमने कहा शॉर्ट फॉर्म में एक निमोनिक मैंने बनाया है लीना की रब से फरियाद कौन किससे फरियाद कर रहा है एक लीना है कैंडिडेट जो कह रही हैं है लीना की रब से फरियाद वो कर रही हैं रब से फरियाद कि हे भगवान मुझे पीरियडिक टेबल याद करवा दो भगवान कहते हैं ठीक है सेकंड ग्रुप पे चलते हैं वहां अलग डिमांड आती है और वो अलग डिमांड कौन करते हैं मैक्सिममली घर में कौन सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन होते हैं बेटे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है क्योंकि कार स्कूटर तक तो ही है वो अभी आगे अप्रोच करेगा तो हो सकता है पापा का दिमाग गड़बड़ा जाए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी और या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आपके लिए इजी ट्रिक है एक थोड़ा सा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी जिसके लिए पहले कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी पापा रेडी होंगे और वे एफर्ट्स कैसे होंगे आपके फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके अब देखिए यहां आइए थर्ड ए ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ अब फ्रेंडशिप ठीक है बहुत लोग बोलते हैं मैं तेरे को चांद सितारे ला दूंगा ये वो भाई साहब कुछ नहीं चाहिए आपको आपको उनसे सीधा एक चीज कहनी है मेरे को स्काई लेके आ क्या लेकर आ स्काई ला ये क्या है लेंथेनम सीरीज। उससे ऊपर क्या है स्कैंडियम और इट्रियम तो हमने इसकी शॉर्ट निमोनिक्स क्या बनाया स्काई लेके आया स्काई लेके ले आएगा उसमें चांद सितारे सब आ जाएंगे आफ्टर दिस फोर्थ ग्रुप में जाइए क्या है टीजर हफ टाइटेनियम जरकोनियम और हाफनियम क्या कहा हमने इसको टीजर हफ दिख रहा है ये आपने कहा स्काइला क्या ले किया मेरे लिए स्काइला फिर आप कहते हैं टीजर हफ प्लीज नोट इट डाउन एज आई मैं प्लीज नोट इट डाउन आई डोंट है नोटबुक्स आफ्टर दिस कम टू द फिफ्थ ए ग्रुप आप उसको कहेंगे वी नबता वी इज वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम दैट इज वी नबता ये निमोनिक फॉर्म है अब इसके बाद आइए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आप मूव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मूव तो मैंने आपसे कहा कर मूव क्रोमियम मोलिबिडेनियम टंगस्टन क्रोमियम मोलिबिडेनम एंड टंगस्टन इसको आपने कहा कर मूव अब जैसे ही आप मूव करते हैं तो आपका मन थोड़ा सा डगमगा जाता है अब मन डगमगाते आप कहते हैं मन टकरी मन टकरी क्या है ये देखिए मैग्नीज टेक्नेशियम एंड रेहनियम मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रेहनियम को आपने कहा मन टकरी अब जब आपका मन टकराया है तो वो टकराया किससे है फिरोज के साथ अब वो फिरोज कौन है आयरन रुदेनियम एंड ऑस्मियम। आयरन रुदेनियम एंड ऑस्मियम। ये हैं आपके फिरोज अब जब फिरोज से आपने ये कहा तो फिरोज कहता है मुझे यहां नहीं रहना कौन रहेगा इधर कौन रहेगा इधर मतलब कोबाल्ट रोडियम और इरिडियम कौन रहे इधर सीओ आर एच आई आर उसको रहने का ही मन नहीं है उसने बोल दिया कौन रहे इधर और वो यहां क्यों नहीं रहना चाहता क्योंकि यहां करनी पड़ती है पढ़ाई और पढ़ाई के लिए उसने बोला नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं, पढ़ता, नहीं नी पढ़पट पढ़। यानी कि निकल पैलेडियम प्लेटिनम निकल एन नि, आई पैलेडियम पी डी प्लेटिनम इज पी डी ठीक है एन आई पी डी पी टी वो कहता है नी पढ़पट पढ़। अब जब इतनी बात हो गई तो बात पहुंच जाती है घर तक कहाँ घर तक मम्मी डैडी तक तो जब मम्मी पापा से शिकायत करती हैं किसकी फिर कॉन्सेप्ट चल रहा है सारा तो वो कहती हैं क्यों ए जी ओ पापा को बता रही हैं, वो अपनी बात रिवील करना चाह रही हैं, कि आजकल पढ़ता नहीं है इसका मन नहीं लगता है क्यों ए जी ओ क्या है सी यू दैट इज कॉपर एजी सिल्वर ए यू इज गोल्ड क्यों ए जी ओ उसके बाद जब बात पापा के पास पहुंच जाती है तो आप पापा क्या कहते हैं जन सड़मर इसको जो करना है कर मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे तो वो कहते हैं जन सड़मर जन जन्स जिंक जेड एन जन मैं किसको बोल रही हूं जिंक जेड एन कैडमियम इज सी डी एंड एच जी इज मरकरी मर यहां तक बात समझ में आई सारे निमोनिक समझ में आए ओके नेक्स्ट चलते हैं यहां तक बात खत्म हो गया फिरोज का कॉन्सेप्ट खत्म अब आते हैं हम नेक्स्ट पे अब जैसे ही हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो मम्मी ने आपसे एक काम दे दिया और मम्मी आपसे कहती हैं कि तू और कुछ तो करता नहीं है आजकल जा मार्केट थैला उठा सब्जी लेकर आ तो आप थैला उठाते हैं और सब्जी लेने जब घर से निकलते हैं तो मम्मी से आपने पूछा मम्मी मैं क्या सब्जियां लेकर आऊं तो आपने मम्मी ने कहा बैंगन आलू गाजर इन थैला क्या लेकर आना है बैंगन आलू गाजर इन थैला हाँ जी बिल्कुल आपको भी हंसी आ रही होगी क्यों नहीं आ रही होगी बट याद करना है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बोरोन इज बैंगन आलू गाजर इन थैला क्लियर बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम अब यहां तक सारी बात हो गई आपको जब सब्जियां लेने भेजा आपको बोला कुछ था मम्मी ने लाने को और आप ले आए कुछ तो मम्मी कहती हैं मम्मी बन गई हैं यहां पर अब कौन सीता जी और वो कहती हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु अब वो आपकी अरदास कर रही हैं श्री राम से प्रभु से कि मेरा बेटा तो हो गया है पागल क्या कह रहे हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु कहे इस सी कार्बन सीता जी इस सिलिकन जी जर्मेनियम टिन और लेड आगे गई बात समझ अब फिर क्योंकि आपने तो सुनना है नहीं क्योंकि आप किस में बिजी हैं आईपीएल मैचेस में और आप लगे हैं अपनी टीम बनाने में तो टीम जब आप बना रहे हैं तो आपने मम्मी कहती हैं मेरा बेटा तो आईपीएल मैचेस में टीम्स की तरह बिक गया और आपकी वो टीम कौन कौन सी है न्यूजीलैंड पाक ऑस्ट्रेलिया सब बिके क्या न्यूजीलैंड पाक ऑस्ट्रेलिया सब बिके कौन है वो न्यूजीलैंड नाइट्रोजन पाक इज फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मत न्यूजीलैंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत क्लियर आफ्टर दिस क्योंकि आप तो गए हैं आज के मॉडर्नाइजेशन जमाने के अकॉर्डिंग तो आपने तो आईपीएल में पैसा लगाना शुरू कर दिया लेकिन घरवाले थोड़े से हैं पुराने ख्याल के तो वो कहते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी कि पुराने कल्चर से कुछ सीखो ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्योरियम एंड पोलोनियम बात समझ में आ रही है ओ इज ऑक्सीजन से इज सल्फर एस ई इज सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम ओल्ड स्टाइल से टीपो आफ्टर दिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप जो कि है, है हेलोजिन फैमिली और हेलोजिन फैमिली वैसे तो आपको सबको पता है कौन से हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड सो ऑन लेकिन यहां पर आपने जो याद किया है अब क्या कर रही हैं मम्मी इतनी परेशान हो गई हैं कि आपकी शिकायत कर रही हैं पास वाली आंटी से और पास वाली आंटी को वो वेट कर रही हैं कि वो कब बाहर आए फिर कल बाहर आई आंटी आंटी बाहर आएंगी तो मम्मी उनसे जाके शिकायतें करेंगी फिर फ्लोरीन कल क्लोरीन सीएल बाहर ब्रोमीन आई आयोडिन आंटी इज एस्टेटाइन आंटी का नाम भी बड़ा तगड़ा है ना एस्टेटाइन तो देखिए फिर कल बाहर आई आंटी यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन इसके बाद लास्ट एलिमेंट ग्रुप है जो कि है आपकी नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज इनको एक्जैक्टली ऐसे याद कर लो बहुत ईजी है नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रिडन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन क्या है ये नोबल गैसेस आगे बात समझ में यहां तक चलिए पूरे के पूरे ग्रुप एलिमेंट्स के आपने निमोनिक्स के फॉर्म में याद कर लिया है अब होपफुली आपने वो मेंशन कर लिए होंगे याद कर लिए होंगे नोट डाउन कर लिए होंगे सो यू कैन रिपीट और भाई याद करना शुरू करो सॉरी सो आफ्टर दिस ये बात पूरी समझ में आई पीरियॉडिक टेबल देखो कितनी सुंदर थी और भी सुंदर हो गई शॉर्ट टर्म में रिपीट कर दूं एक बार हेलिना की रब से फरियाद फर्स्ट ए सेकंड बी सेकंड ए ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर कौन राजी पापा बाप राजी थर्ड स्काईला टीजर हफ वी नन टकरी फिरोज कौन रहे इधर नी पड़पड़ क्यों एजी हो और लास्ट क्या था जनसरवर फिर मम्मी का कॉन्सेप्ट आ गया यहां तक तुम्हारा चल रहा था फिर मम्मी का कॉन्सेप्ट आया बैंगन आलू गाजर इन थैला पहले सब्जी ला देन कहे सीताजी सुनो प्रभु न्यूजीलैंड पार्क ऑस्ट्रेलिया सब बिके ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई कौन आंटी हिलियम न्यून आर्गन क्रिप्टन दैट द होल पीरियोडिक टेबल चलो छोड़ो ठीक है आइए नेक्स्ट अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली अब थोड़ा सा थियोरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं ये प्रपोज किसने की थी मिस्टर मॉजले इनका नाम ही इतना कूल है ही इज सो चिल मोजले यानी कि मोजले मौज नहीं लेनी है ही इज मोजले मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस पर बेस्ड थी एटोमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड थी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिन्होंने उसमें क्या किया था हाई स्पीड बम्बार्डमेंट करवाया था इलेक्ट्रॉन्स का काफी सारी डिफरेंट मेटल सर्फेसिस पे और ऑप्टेन की थी क्या एक्स रेज सो एक्स रेज आपकी कहां से ऑप्टेन हुई है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मोजले के एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट

तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला रिपीट होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद यह किसने कहा मिस्टर मोजलिन ने और उसी को नाम दिया गया है क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और यू ऑल्सो कैन से मॉडर्न पीरियडिक टेबल उसका मतलब क्या है उस लॉ के अंदर क्या बात कही गई है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप इनको अरेंज कर रहे हैं तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होंगे रिपीट होंगे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल चलिए क्या यही बात आपने डिस्कस की जी Next. अब characteristics पढ़ते हैं अभी अपन ने देखा नाइन वर्टिकल कॉलम्स थे कितने नाइन जिनको आप क्या कहते हैं ग्रुप्स आप कहेंगे नहीं मैम आपने तो eight बोले थे एट बोले थे बिल्कुल ठीक बात है एग्जैक्टली दे आर एट लेकिन आप जीरो ग्रुप को कैसे भूल गए जो पी ब्लॉक के लास्ट में आता है सो टोटल नाइन वर्टिकल कॉलम्स जिनको आप कहते हैं ग्रुप्स फर्स्ट टू एट ग्रुप प्लस जीरो ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस याद आ गया यही चीज़ है फर्स्ट टू एर्थ ग्रुप प्लस जीरो ग्रुप किसका इनर्ट गैसेस कौन सी है इनर्ट रेडन एकदम लास्ट में आंटी के जस्ट बाद वाला ग्रुप और सेवन हॉरिजेंटल रोज होती हैं जिनको आपने कहा पीरियड्स अभी यही सारी चीजें बताई थी ये देखिए वो रहे नाइन और सेवन चलिए अब लॉन्ग फॉर्म देखते हैं इसका और प्रेजेंट फॉर्म इट इज आल्सो कॉल्ड एस बोर बरी एंड रंग वर्नर पीरियोडिक टेबल हां आपको साइंटिस्ट नेम याद रखने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा इस तरीके से भी साइंटिस्ट नेमिंग के अकॉर्डिंग सो so आपको साइंटिस्ट के नेम भी पता होने चाहिए कौन थे चार लोग थे ये बोर बुरी रंग एंड वर्नर इन शॉर्ट में याद रखो कि बोर होके बुरी ने कलर लगा दिया किसको वर्नर को बोर बुरी रंग वर्नर इट इज बेस्ड ऑन वर्ट बोर बुरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड एटोमिक नंबर इनका कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड था एटोमिक नंबर के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए नेक्स्ट यह मॉडल प्रपोज किसने किया था रंग एंड वर्नर ने रंग एंड वर्नर सेवन पीरियड्स एंड एटीन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू आई यूपीएससी एटीन वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज फर्स्ट टू एटीन ग्रुप बिल्कुल IUPAC के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये जो एटीन वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको आप कहते हैं वन टू एटीन ग्रुप ठीक है नेक्स्ट द को बिटवीन द ग्रुप इज अंग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल एंड इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आप इसको कैसे मेंशन करते हैं अभी मैंने लिख के बताया था वन टू सेवन तक हम गए थे और ये एर्थ ग्रुप कौन सा था फैकोनी वाला आयरन कोबाल्ट और निकल फेकोनी वाला ग्रुप था ये फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ग्रुप से इसने क्या स्टार्ट कर दिया वन बी टू बी थ्री ए फोर ए फाइव ए सी याद नहीं है तो ये देखो यहां तक हमने किया इसके बाद इसने शुरू किया वन बी टू बी थ्री ए फोर ए एंड सो वन ओके नेक्स्ट चलिए एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप सेम ग्रुप के लिए बात हो रही है सेम ग्रुप

अगर एक कॉन्सेप्ट पूछूंगी अगर आपको वो याद है तो आप एक बार में बता देंगे मैंने आपसे कहा मैटल्स, तो मुझे ये बताओ कि हम एस को लेके चलते हैं कि वहां पर क्या होता है हाफ फिल्ड होता है एल्कली मेटल्स के केस में तो यहां पर देख लो कॉन्सेप्ट कौन सा ब्लॉक है जिसमें एस ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है फर्स्ट देखिए फर्स्ट ग्रुप वन एस टू टू एस टू टू पी टू एस कंप्लीट है दोनों में सो so, ये नहीं होगा सेकेंड वाले में देखते हैं यहां कंप्लीट है देन अगेन यहां कंप्लीट है यहां कंप्लीट है लेकिन सी फाइव एस वन पे यहां एस और इनकम्प्लीट है सो so, मेरे अकॉर्डिंग अभी ये है लेकिन अपन नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं यहां नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव यहां पी ऑर्बिटल बिटल इनकम्प्लीट है लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एल्कली मेटल्स तो याद क्या रखना है एस शेल इनकंप्लीट तो आप कहेंगे इसके भी एस शेल कंप्लीट है इनकंप्लीट है हमें हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमसे लिए पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी क्लियर चलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैंशन किया है ये देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड यानी कि लिथियम बैरिलियम एंड बोरोन रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड अब वो डायगनल कैसे शो करेगा अगर उसके जस्ट नीचे आ रहा है तो वो कैसे डायग्नल शो करेगा डायगनल हमेशा कॉन्ट्रवर्स होते हैं तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स डायगनल रिलेशनशिप शो करेंगे थर्ड वाले के साथ थर्ड वाले कौन से हैं मैग्नेशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकन सो लीथियम बैरिलियम बोरोन इनको आपने क्या कहा ब्रिज एलिमेंट्स जब ये डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं तो यहां पर आप इनको कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स रीजन क्या आता है होता है इसका कि वो ब्रिजिंग क्यों शो करते हैं और क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर सिमिलर एटमिक साइज होता है आयनिक साइज इज ऑल्सो सिमिलर एंड सिमिलर पोलराइजिंग पार वॉट आई मैंशन एंड सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज नोट इट डाउन प्लीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है कौन से लिथियम बैरिलियम एंड मैग्नेशियम एल्यूमिनियम सिलीकन रिलेशनशिप शो क्यों करते हैं तो आपको रीजन बताना है बिकॉज दे हैव सिमिलर साइज सिमिलर सिमिलर पोलराइजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमिलर आयनिक साइज नेक्स्ट अब आयनिक पोटेंशियल क्या होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय रेडियस और ये रहा आपका डायगनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स दैट इज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर एंड सो ऑन आगे अगर आप रिवील करते हैं तो इनको आप कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं आप इनको टिपिकल एलिमेंट्स क्योंकि बिकॉज दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप क्योंकि ये अपने नियर बाय एलिमेंट्स की भी यानी कि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट शो कर देते हैं आइए इन द दिक्स पीरियड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड सिक्स पीरियड के अंदर सो so, क्या कहा सिक्स पीरियड के अंदर कौन से सारे टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एसपीडीएफ चारों ब्लॉक्स के नो इनर गैसेज इन द सेवन पीरियड देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए मैंने वहां पर मेंशन किया था पॉइंट्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेवेंथ पीरियड के अंदर कोई भी इनर्ट गैसेस नहीं होती नॉर्मल नंबर जो होता है लास्ट इनर्ट गैस एलिमेंट का दैट इज एटी सिक्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पीस कौन से हैं वो फोर पोर्शन फर्स्ट एस ब्लॉक जिसको आपने कहा था लेफ्ट वाला याद आ गया होगा होपफुली दो ही ग्रुप्स होते हैं वन ए एंड सेकेंड उसको आपने कहा एस ब्लॉक राइट पोर्शन फ्रॉम थर्ड ए टू सेवेंथ ए प्लस जीरो ग्रुप थर्ड ए टू सेवन ए प्लस जीरो ग्रुप ट इज योर पी ब्लॉक नेक्स्ट मिडिल पोर्शन जिसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं थर्ड बी टू सेवेंथ बी प्लस एर्थ प्लस फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी जिसको आप कहते हैं डी ब्लॉक याद आएगा वो बीच वाला ब्लू कलर का बड़ा वाला ब्लॉक दैट इज डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला ब्लॉक लास्ट इज द बॉटम पोर्शन जिसमें आते हैं थर्ड बी और उनको आप कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर नेक्स्ट द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सी एज इट इज ऑल्सो ऑलरेडीडर सो प्लीज नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट बता रही हूं अगेन आई रिपीट इन द मिड सेक्शन ऑफ द लेक्चर की ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है स्ट्रेट क्वेश्चन आए हैं बेटा की अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको बताना होगा ग्रुप वन ए अगर उसने पूछा है आपसे सीधा ग्रुप में आपके पास क्वेश्चन आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द ग्रुप्स यू कैन से ग्रुप सेवन ए क्लियर द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता है जीरो ग्रुप दैट इज एटीन ग्रुप द ग्रुप इन विच एलिमेंट्स हैव जीरो वैलेंस जीरो वैलेंस किसके पास होता है ग्रुप जीरो अगेन एटीन एलिमेंट गैस वाला

नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्लोरीन और प्लस नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन आर्गन क्रिप्टिन जिनन एंड रेडन टोटल काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव प्लस सिक्स इलेवन क्लियर नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स लिक्विड एलिमेंट्स कितने हैं टोटल सिक्स कौन कौन से सी एस एफ आर जी ए एच जी बी आर क्या नेमिंग है सीजियम फ्रेंचियम गर्क ब्रोमी एंड अनिल ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस इंपॉर्टेंट ब्रोमीन ओनली सिंगल नॉन मेटल एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ब्रोमीन इतना ज्यादा डेंजरस होता है आपके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि अगर ब्रोमीन की कुछ दो तीन ड्रॉप भी आपके हाथ के ऊपर गिरती है आपका अंदर तक का मसल्स डैमेज कर सकता है ब्रोमीन इज दैट मच हार्मफुल टू योर बॉडी टू योर स्किन सो खेलने की चीज नहीं है कि लैब में गए और किसी भी एसिड के साथ मस्ती मजाक चल दिया नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स कितने होते हैं टोटल दैट इज नाइनटी फाइव क्लियर आफ्टर दिस नो पी ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट एंड सेवेंथ पीरियड ये चीज याद रखनी है फर्स्ट पीरियड और सेवेंथ पीरियड के अंदर एक भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा चलिए फर्स्ट पीरियड हैज ऑल द एलिमेंट दैट इज इन गैसियस फॉर्म फर्स्ट पीरियड के अंदर सारे एलिमेंट्स कौन से फॉर्म में होंगे गैसियस फॉर्म में कौन कौन से हाइड्रोजन एंड हीलियम और जीरो टू एटीन ग्रुप वाले एलिमेंट्स भी गैसियस फॉर्म के होंगे नेक्स्ट सेकेंड पीरियड में कौन से गैसियस एलिमेंट्स होते हैं फोर टोटल कौन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन अब थर्ड ग्रुप की मैं बात करूं तो ये एक लॉन्गेस्ट ग्रुप है थर्ड ग्रुप थर्ड बी इसमें थर्टी टू एलिमेंट्स होते हैं और जिसमें आपके लेंथेनाइड्स भी इंक्लूड हैं और एक्टिनाइड्स भी यानी कि फोर्टीन लेंथेनाइड्स एंड फोर्टीन एक्टिनाइड्स।

थर्ड बी का है एलिमेंट किसका है थर्ड बी का चेंजेस हो रहा है किसमें नाइनटी थोरियम में थर्ड बी ग्रुप का एलिमेंट यानी कि नाइनटी टू यूरेनियम चेंज होता है नाइन्टी थोरियम में किसकी वजह से जब हम अल्फा पार्टिकल का एमिशन करा रहे हैं तो यहां पर आपको डॉटर एलिमेंट बताना है कि जो डॉटर एलिमेंट होगा वो कौन से ग्रुप में होगा होपफुली आपको याद आ गया होगा वो ग्रुप जब मैंने मेंशन किया था अभी थोड़ी देर पहले वन टू सेवन देन एट्थ फिर हमने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ प्रोसीड किया था वन बी टू बी एंड सो ऑन तो आपको याद रखना है क्योंकि इसने यहां मेंशन किया है ग्रुप तो आपको याद आया कि थर्ड बी के जस्ट बाद वाली बात हो रही है थर्ड बी के जस्ट बाद वाली याद करो दिस इज योर होमवर्क पार्ट मेरे को टिक लगाने में विद एक सेकंड लगना है पूरी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कहां पर आने वाला है थर्ड बी के बाद की बात हो रही है एमिशन अल्फा पार्टिकल कराया है हमें डॉटर एलिमेंट निकालना है सिर्फ सी स्लाइड भी बता देती हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बता दिया अब यहां से तुम्हें बताना है थर्ड बी से इसके बाद डॉटर एलिमेंट कौन सा होगा क्लियरली विजिबल है आंसर आगे बात समझ में चेक करना याद करना इसीलिए कह रही हूं याद करते जाओ फ्लोचार्ट फॉर्म में लिखते जाओ पीरियोडिक टेबल के पन्ने लगा दो घर में नेक्स्ट नॉमन क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स आई यू एस सी गेव नेम्स टू एलिमेंट्स अब एटॉमिक नंबर हंड्रेड अब हंड्रेड के बाद वाले एलिमेंट्स की अपन नेमिंग कैसे करते हैं तो आइए अगर जीरो है हंड्रेड के बाद हंड्रेड के बाद वाले एलिमेंट्स की बात है अगर जीरो है तो वहां पर आप उसको साउंड करेंगे निल क्या कहेंगे निल अगर वन वहां पर आ रहा है तो आप उसको साउंड करेंगे अन यू एन अन टू के लिए आप यूज करेंगे बाय बी आई बाय थ्री के लिए ट्राई फोर के लिए क्वाड फाइव के लिए पेंट फॉर सिक्स इट इज हैक्स सेवन सेप्ट एट ऑक्ट एंड नाइन अन ये यूएन एन था वन के लिए ये है अन ई डबल एन फॉर नाइन ओके इन ऑल द एलिमेंट सफिक्स इज ई एम अब मैंने हंड्रेड के बाद वाले सारे एलिमेंट्स यहां पर मैंशन किए हैं बस याद इतनी सी एक चीज रखनी है कि यहां पर जो सफिक्स है वो क्या होगा ई e एम और सफिक्स क्या होता है जो किसी भी एलिमेंट में आगे लगता है या पीछे सफिक्स हमेशा पीछे लगाया जाता है एलिमेंट नेम में आई के अकॉर्डिंग क्लियर प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है सफिक्स लास्ट में लगता है सो फॉर द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 101 101 आपने इसका नेमिंग क्या किया आई के अकॉर्डिंग अनिलियम क्या होगा अनियम अन और इसका सिंबल क्या होगा यू एन यू क्लियर अब बात करते हैं वन जीरो टू के लिए. वन जीरो टू के लिए आप कहेंगे अन निल ब्रम क्योंकि एम लगाना है पीछे सफिक्स निल फॉर जीरो अन फॉर वन टू फॉर बाय बायिल ब्रम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूएन बी वन जीरो थ्री थ्री के लिए ट्राय इम अनिल अनिल ट्रायम सिंबोलिक यूएन टी फोर के लिए क्वाड तो वन जीरो फोर के लिए और बाकी की सेम चीज अनिल ई एम तो लगाना ही है फोर के लिए क्वाड यूज कर लो अनिल क्वाडियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू एन क्यू फाइव के लिए क्या यूज करेंगे पेंट बाकी की सेम चीजें अनिल पेंटियम सिंबॉलिक यूएनपी सिक्स के लिए आप यूज करेंगे हेग्स, क्या यूज़ करेंगे हेग्स, अन्निल यू एच। सेवन के लिए आप क्या यूज करेंगे सेप सेप की बात होगी क्योंकि पीछे ई एम लगाना है सेप्टियम अनिल सेप्टियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज यू एन एस वन जीरो एट एट के लिए यूज करते हैं ऑक्ट अनिल ऑक्टियम उन्न जीरो नाइन एनियम ई डबल एन वाला नाइन के लिए दैट इज यू एन ई एंड वन हंड्रेड टेन अनिलियम अनिलियम ठीक है ये होगा यू यू एन अब ये जो एलिमेंट ये आपने पहले नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग लिख लिए अब इनके जो रियल नेम होते हैं वो भी थोड़ा सा याद रखिए 101 को कहा जाता है मैंडलीवियम मैंडल ने अपने खुद के नाम से मैंडलीव जो थे उन्होंने अपने खुद के नेम से इस एलिमेंट को नेम दिया था इसलिए इसका नाम है मैंडलीवियम और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एम डी सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है कि वन जीरो वन एलिमेंट का नेम क्या है ऑप्शन में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बोथ का ऑप्शन है तो बोथ टिक कर देंगे और अगर सिंगल दे रखा है तो आपको पिक करना आना चाहिए दोनों नाम पता होने चाहिए सेम वन जीरो टू को आप नोबेलियम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नोबिता नहीं नोबेलियम वन जीरो थ्री को आप बोलते हैं लॉरेंशियम वन जीरो फोर को आप बोलते हैं रदर फोर्डियम आर एफ फाइव को बोलते हैं डबनियम डी बी सिक्स को बोला जाता है सी एस जी सेवन को बोला जाता है बोहरियम बी एच एट को बोला जाता है हेस्म दैट इज इज मेटनेरियम एम टी एंड टेन इज डॉमस्टेडियम क्लियर सो ये सारे एलिमेंट्स विद द नेम एंड देयर एलिमेंट नेम अलोंग देयर सिंबल्स एंड अलोंग देयर एटोमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं होल ओवर मैंने समराइज फॉर्म में आपको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है अब कुछ मैरिट्स देख लेते हैं अपन इसकी फर्स्ट पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स एटोमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या होगा सिमिलर सो डिफरेंट कैन बी प्लेस्ड एट सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, आर्गन एंड पोटेशियम कोबाल्ट एंड निकल एंड टेक्नेशियम एंड आयोडीन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक नंबर किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट किए गए हैं इड और एक्टनाइट कौन से ग्रुप में आते हैं थर्ड बी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर डायग्नल लाइन डायग्नल लाइन क्या सेपरेट करती है मेटल्स मैटल्स एंड नॉन मेटल्स ये तीनों बातें याद रखनी है अब आपको ये भी चीज पता है फिर से अपन वही रिवाइज कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम जनरल फॉर्मुला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल अभी मैंने एक्सप्लेन की थी आपको सारी चीज उसी को थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है बस अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी कि पोजीशन जो है हाइड्रोजन की क्योंकि वो बेचारा इकलौता है उसको अभी तक जगह नहीं मिली है पीरियडिक टेबल में रहने को रखा हुआ है सो so, अभी तक कॉन्ट्रोवर्शियल है दूसरा हीलियम इज एन इनर्ट गैस हमें पता है हीलियम क्या है एक इनर्ट गैस है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है दूसरे इनर्ट गैसेस एलिमेंट से सो so, ये क्या है इसकी डीमेरिट्स लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स को अभी तक भी पीरियडिक टेबल में एक्जैक्टली exactly कोई मेन फ्रेम नहीं मिल पाया है ज ऑल्सो एन डीमेरिट और एक और डिमेरिट है इसकी वो क्या हैव से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आइसोटो क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन वो सेम प्लेस में रखे गए हैं पीरियडिक टेबल के अंदर आइए एक क्वेश्चन देखते हैं एक एग्जाम्पल ईच पीरियड इन दीरियॉडिक टेबल स्टार्ट विद पीरियड इन दीरियॉडिक टेबल स्टार्ट विदेश विद इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सब ऑफ न्यू शेल एंड एंड्स विद सो आपको पता है एंड्स किससे होगा डिफरेंट सब के साथ ऑफ द सेम सब ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था नेक्स्ट एन एलिमेंट रिसेंटली डिस्कवर्ड इन यूयूक्यू क्या है यूयूक्यू व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड अभी बताया है? थोड़ी देर पहले ही नेक्स्ट मैक्सिमम वर्क ऑन पीरियोडिक टेबल रिलेटेड विद द एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन किसने पीरियोडिक टेबल में जनाब याद आ गए होंगे जो मस्त मजे से और मिस्टर मोजले है, है और अगर बात हो एटॉमिक वेट की तो याद रखने हैं मैंडलीव एटोमिक वेट के रिगार्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आंसर आएगा मैंडलीव लेकिन एटोमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर होगा मोजले ठीक है सो so, यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म होता है आपको एक बार फिर से मैं कहूँगी प्लीज़ पीरियोडिक टेबल के मैंने जितने भी निमोनिक्स प्लस जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट मेटल्स बताए नॉन मेटल्स बताए एल्कली मेटल्स बताया टफेस्ट मेटल बताया हाई डेंसिटी एलिमेंट बताए बहुत सारी चीज़ें बताई प्लीज़ लर्न दैम ऑल क्लियर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट डिस्कशन के साथ टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स